वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। और रियल नंबर में हम डेसिमल एक्सपेंशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इन अर्लियर क्लासेस हमने वन डेसिमल प्लेस तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन किया है, जैसा कि 3.7 को हमने रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन अब हम मोर देन वन प्लेस डेसिमल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। विजुअलाइज 3.765, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। हमने 1 डिजिट तक अर्लियर क्लासेस में रिप्रेजेंट किया है ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अब सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्या है कि हम पहले 3.7 को रिप्रेजेंट करेंगे, आफ्टर दैट हम 3.76 को रिप्रेजेंट करेंगे, आफ्टर दैट हम 3.765 को रिप्रेजेंट करेंगे एट लास्ट। तो इनको अलग अलग स्टेप्स में हमें रिप्रेजेंट करना होगा, इसलिए इसे कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ाई है कि हम एक नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि 3.7 हम देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो हम नंबर लाइन पे एक 3 पॉइंट लेंगे, एक 4 लेंगे, दो नंबर हम ले लेंगे। इनको 3 और 4 को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना थोड़ा टिपिकल है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही एक नंबर लाइन लेते हैं जिसे हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करके ही लेंगे। जैसा कि एक लाइन है, यहाँ पे आपका पॉइंट 3 है, दिस इज पॉइंट 3। तो आप 3 से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मार्क लगाइए। सके 1, 2, 3 को काउंट नहीं करेंगे, जो पॉइंट 3 के लिए पॉइंट लिया है उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो आवर 10th पॉइंट विल बी 4। तो ये हमारी नंबर लाइन के ऊपर हमने 3, 4 ले लिया और इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो इट विल बी 3.1, इट विल बी 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, इट्स 3. आफ्टर 9 इट विल बी 4, नॉट 3. 3 के बाद कुछ नहीं आएगा, 3.9 के बाद जो है सीधा 4 आ जाएगा। सो अब हमारा नंबर 3.7, आप देखते हैं कि 3.7 यहाँ पे है। अब ये 3.76 किसके बीच में लाई करता है, 3.76 जो है वो 3.8 और 3.7 के बीच में लाई करता है। अब आप यहाँ पे एक और नंबर लाइन लेंगे द सेम वे, यहाँ पे भी आप जो फर्स्ट पॉइंट लेंगे दैट विल बी 3.7, उसको 3.7 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। शो कर देते हैं एक एरो का साइन लगाकर हम कि हम इस 3.7 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम 3.8 लेंगे इधर और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो पहले ही हम 10 मार्क्स लगा लेंगे, इट विल बी इजी। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो इट विल बी अवर 3.8। तो इधर भी आप एरो का साइन लगाइए। सो ये हमने 3.7 और 3.8 को एनलार्ज करके एक अलग से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। जो उसका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज 3.71, ये 3.7 कह लीजिए या 3.70 कह लीजिए, दैट इज सेम थिंग। इन द सेम वे इट इज 3.80, सो इट इज 3.72, इट्स 3.73, इट्स 3.74, इट्स 3.75, इट्स 3.76, इट्स 3.77, इट्स 3.78, इट्स 3.79, एंड आफ्टर 79 इट विल बी 80। अब हम लास्ट नंबर देखते हैं कि ये किसके बीच में लाई करेगा, ये 3.77 और 3.76 के बीच में लाई करेगा। तो हम एक और नंबर लाइन लेंगे, दैट विल बी अवर लास्ट नंबर लाइन, इसके अंदर हम
अब जो 3.76 को लेंगे, 3.76, सो इट विल बी अवर 3.76। तो 3.76 यहाँ एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 3.76 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे हम 3.77 को लेंगे। सो पहले इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स 10 मार्क्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 10। सो इट विल बी 3.77। सो इट इज 3.7, तो इधर भी एरो का साइन लगाएंगे, हम उस पोर्शन को एनलार्ज करके शो करते हैं। सो नाउ इट विल बी अवर, दिस पॉइंट विल बी 3.761, इट विल बी 3.762, इट विल बी 3.763, इट विल बी 3.764, इट विल बी 3.765, इट विल बी 3.766, इट्स 3.767, 3.768, इट्स 3.769। सो दिस इज अवर आंसर। तो हमने 3.765 को रिप्रेजेंट करना था, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 3.765। सो इस बार बार इस स्टेप को एक नंबर के लिए, एक डिजिट के लिए आफ्टर डेसिमल हमने ये फर्स्ट लाइन ड्रा की, आफ्टर दैट सेकंड डिजिट के लिए सेकंड लाइन ड्रा की, और थर्ड डिजिट के लिए हमने थर्ड लाइन ड्रा की। इसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.765 ऑन नंबर लाइन। सो लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। विजुअलाइज 4.26 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 4.26 बार का जो मीनिंग है, वी नो दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो 26 26 26 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट आएगा। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो हमने 4 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करना है, नॉट मोर देन दैट। तो यानी कि हमने 4.2626 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ऑन द सेम वे हम पहले 4.2 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 4.26 और फिर 4.262 एंड आफ्टर दैट 4.2626 को रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट लाइन में इसे, सेकंड में इसे, थर्ड में इसे और फोर्थ लाइन में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये 4 और 5 के बिटवीन लाई करेगा। सो लेट्स ड्रा नंबर लाइन। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हम 4 लेंगे और लास्ट पॉइंट जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा वो 5 लेंगे। सो दिस साइड 4 आएगा और इस तरफ 5 आएगा। 5 हम कैसे लेंगे, 4 और 5 को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम पहले ही इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और 10th पॉइंट को हम 5 पॉइंट जो है नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे। सो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इट्स 10। सो इट विल बी अवर पॉइंट 5। सो इट्स 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड दिस इज 5। तो हम देखते हैं कि 4.26 लाई करेगा 4.3 और 4.2 के इंटरवल। तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट 4.2 को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये 4.2 को हम एरो का साइन लगा के शो करेंगे कि हम 4.2 से 4.3 तक का जो पोर्शन है उसे एनलार्ज करके शो कर रहे हैं। सो इसे पहले ही हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सो इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इट विल बी 4.3। सो इट विल बी 4.21, इट विल बी 4.22, 4.23, 4.24। 4.29 तक हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये 4.3 के लिए भी हम एरो का साइन लगाएंगे कि 4.3 जो है वो
यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि हमने 4.2 से 4.3 तक एनलार्ज किया है। अब जो हमारा 4.262 है वो लाई करेगा 4.27 और 4.26 के बीच में। 4.26 ये है और 4.27 ये है, तो अगली नंबर लाइन पे हम 4.26 और 4.27 को रिप्रेजेंट करेंगे। उसे भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सो हम फर्स्ट पॉइंट 4.26 लेते हैं और इसे पहले ही हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इट विल बी 4.26। यहाँ पर भी 4.26 और 4.27 कैरो लगाने के बाद हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे कि दिस इज 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। और अब हम देखते हैं कि 4.262 ये रहा, वो जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 4.2626, वो आप देखते हैं कि 4.263 और 4.262 के इन बिटवीन लाई करेगा। तो हम इसी प्रकार एक और नंबर लाइन यहां पर लेंगे जो कि हमारी लास्ट नंबर लाइन होगी। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट 4.262 यानी कि इसको एरो से ज्वाइन करते हैं और इसी प्रकार 10 इक्वल पार्ट्स में पहले ही डिवाइड करने के बाद हम 4.263 को लेंगे। सो यहाँ पे आर्क्स लगाते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो इट विल बी अवर 4.263। द सेम वे इसे भी हम एरो से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी हम जो आर्क्स लगाई हैं हमने उसके ऊपर 4.2621 और ये होगा 4.2622। दिस पॉइंट इज 4.2623 एंड दिस इज 4.2624, 4.2625, इट विल बी 4.2626, इट्स 4.2627, 4.2628 एंड इट्स 4.2629 एंड इट विल बी 4.263। सो अवर नंबर 4.2626, दिस इज अवर पॉइंट 4.2626। सो इन दिस वे हमने 4.2626 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अलॉन्ग विद दिस अवर दिस एक्सरसाइज ओवर, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।